मेरा नाम सुजाता है और मैं यहाँ पे वाजपेयी यूनिवर्सिटी में मास्टर कोर्स कर रही हूँ फाइन आर्ट में और मेरी प्रैक्टिस काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट में जा रही है। पहले मैंने काफ़ी जेस्चरल ड्राइंग्स वगैरह की थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा उसमें फीडबैक आया और फिर मेरी जर्नी मतलब फाउंड ऑब्जेक्ट में स्टार्ट हो गई और जिसमें फाउंड ऑब्जेक्ट्स में मुझे फैब्रिक अच्छा लगा एंड देयर इज लाइक प्लास्टिक वेस्ट पड़ा था यहाँ पे। जब आप कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं पे मूव करते हो तो आपको मटेरियल पाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है और वो इतने आसानी से आपको मिलता नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ जो मुझे ऐसे ईजिली मिल जाए आसपास कहीं से भी, जिसमें से मुझे प्लास्टिक अच्छा लगा तो मैंने वहाँ पर स्क्रैचिंग और उसको अपने वे से ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ में किया। और मैं ब्लैक इसलिए यूज़ कर रही हूँ अपने इसमें प्रैक्टिस में कि लाइक पेंटिंग बैकग्राउंड से मैंने हमेशा कलर्स यूज़ किए अपने पैलेट में, जो हमेशा बहुत सारे कलर मिक्स इन और बहुत सारा नए नए कलर्स बनाने का होता था, बट हमने कभी भी ब्लैक कलर को यूज़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि अभी मुझे ब्लैक करना है जो मैंने कभी भी नहीं किया। फिर इसके साथ ब्लैक की जर्नी शुरू हुई एंड उसके बाद मुझे फाउंड ऑब्जेक्ट में फैब्रिक्स काफ़ी अच्छे लगे जिसमें जो मुझे यूनी से मिल गए थे बहुत आसानी से एंड मैंने उसके साथ कुछ वर्क्स ट्राई किए जो सबको बहुत मेरे प्रैक्टिस के साथ रिलेटेबल लगे और काफ़ी फीमेल्स डेली केसेस में डिपिक्ट हुई, जिसके बाद वो चीज़ एक शेप लेने लगी। लाइक मेरे अब्स्ट्रैक्ट फिगर्स लाइक विदाउट शोइंग एनी फीचर्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग उसको कैसे शेप देना है फिगर्स को, वो मैंने एज अ स्नेक लाइक मैंने फिगर्स ढूंढी। वो इसलिए आई मेरे रेफरेंस में क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो वहाँ पे स्नेक्स जो होते हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं और वो काफ़ी फेमाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं एंड मेरा नेम जैसे सुजाता है तो वो एस लेटर उसमें स्टार्टिंग में आता है तो वो काफ़ी मूवेबल है, तो वो चीज़ मैं हमेशा पहले से ड्रॉ मतलब करती रहती थी और वो चीज़ ऐसे ही रैंडमली मेरी प्रैक्टिस में आ गई, तो उसी फिगर्स को मैं आगे डेवलप कर रही हूँ कि काइंड ऑफ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए और साथ में अदर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ सो दैट वो ब्लेंड टुगेदर हो जाए और उसमें एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है कि मैं क्या उसमें मेरा रिलेशनशिप एज अ बॉडी और मटेरियल के साथ कैसे रिप्रेजेंट होता है और ये स्ट्रैचिंग हो गया, स्विंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये डोमेस्टिक वे ऑफ फाइंडिंग्स है एज अ वूमेन के लिए जो अपने घर पे करती है। काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं बट काफ़ी लेयरिंग होती है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आती है, आपका थॉट प्रोसेस आता है कि आप क्या सोचते हो उस वक्त जब आप कुछ बना रहे होते हो, तो वही चीज़ें सब मेरे साथ चलती है और बहुत सारी टेक्निक्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ अपने प्रैक्टिस में एज अ होम मेकर। वो यूज़ करते थे क्राफ्ट्स वगैरह में फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव से उसको ब्लेंड कर टुगेदर इन माई होम मेकर।